बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अज की वीडियो के गल करांगे हाफिज अबू बकर। एक बच्चे ने माशाला करबला के अंदर एक होने वाले तिलावत के मुकाबले के अंदर पहली पोजिशन हासिल की है। पहले भी बच्चे ने काफ़ी ज़्यादा अवार्ड हासिल किए हैं, आलमी सतह पर भी अवार्ड हासिल किया है। मानसेरा के नाल इस बच्चे का ताल्लुक है। बिलतरतीब ईरान और इराक ने दूसरी और तीसरी पोजीशन ली है। पहली पोजीशन इस बच्चे ने ली है। बतौर मुसलमान और पाकिस्तानी साड़ा हक बनता है कि इस बच्चे नू प्रमोट किया जाए, बजाय इस दे कि वो एक बच्चा सी वो मोटा जहा गुगलू जहा अहमद, पीछे देखो पीछे देखो, उन्हें साड़ी आवाम ने प्रमोट किया कितने का कितने पहुंच गया है। दूसरे नंबर पर अजकल एक बच्चा जा रहा है, विलॉगर है गिलगित बल्तिस्तान तो शिराज, उन्हों काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि वह गलत कर रहे हैं या कुछ भी, लेकिन उन्होंने निस्बत इस बच्चे का हक बहुत ज़्यादा बनता है। इनू प्रमोट किया जाना चाहिए है। इनू प्रमोट करांगे तो साढ़े बच्चों इस चीज़ का जज्बा बनेगा, साढ़े बच्चे इस चीज़ वाल अगे आएंगे कि असी यह चीज़ बनना है, बजाय इसके कि साढ़े बच्चे उन्होंने फॉलो कर। इस तरह तुम देखते हैं कि अपने एक टीवी एंकर है वसीम बदामी साहब, वो तो तकरीबन जिदा शिकारी शिकार के चक्कर चुंदा है, वो प्रमोट करने के चक्कर चुंदे कि बच्चा थोड़ा जा उठ रहा है तो मैं उन्होंने चक के प्रमोट कर देव। जबकि तुम देखा है कि हाफिज अबू बकर ने माशाला आलमी अवार्ड जितया है, तो साढ़े खबरों भी वो हल्की फुल्की खबर चली हुई कि किसी ने उन्होंने कोई प्रमोट नहीं किया। इस बच्चे का हक बनता है कि इन्हू प्रमोट किया जाए। तुसी थले एक तस्वीर देख रहे हैं, तुर्की की एक मस्जिद की है जिदे बच्चे खेल रहे हैं और इमाम साहब उस ट्रेन का इंजन अप बने हुए है, बच्चों के अगे इमाम साहब लगे हुए है। ये बच्चे मस्जिद आएंगे तो साडा दीन इन्हें जिंदा रहेगा, जबकि साडिया मस्जिदों के अंदर चले जाओ तो बच्चे तुहानू कुट खांदे नजर आने हैं। बच्चे पहली साफ च खड़े हो जाने, एक थप्पड़ लगता है चल पिछली लाइन च, दूआ लगता है चल पिछली लाइन च। बच्चे मस्जिद आते हैं, उन्होंने टाइम है खेलने का, वो खेलते उन्होंने खेलन दो, पिछले शोर हों कोई मसला नहीं, अल्लाह उन्होंने हदायत देगा हट जाएंगे टाइम के नाल। लेकिन ये बच्चे दीन का मुस्तकबिल है, इन्होंने कल दीन फैलाना है, दीन नू इन्होंने खड़ा रखना है। इन्हों मस्जिद के अंदर आना चाहिए है, इन्हों मस्जिद के अंदर सानू लैके आना चाहिए है। और हाफिज अबू बकर का हक है कि उन्होंने प्रमोट किया जाए। मैं बतौर मुसलमान और पाकिस्तानी अपनी आवाम अगे रिक्वेस्ट करांगा कि हाफिज अबू बकर प्रमोट करो, उन्हें एक बहुत बड़ा अवार्ड जितया, हक बनता है कि असं उन्होंने प्रमोट करिए।